Students, welcome to our social science class. So today I will start our 10th chapter, that is Earth's internal composition and landforms. तो ये हमारे geography का chapter है. तो मैं first और second chapter के बाद ये 10th chapter करवा रही हूँ. Okay? Our Earth is such a planet on which developed life is seen, like the other celestial bodies. The shape of the earth is round. It is constantly changed inside and outside. Have you ever thought that what is there in the interior of the earth? What is the earth made up of? तो ये तो आपको पता है कि जो हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है, वहाँ पे लिविंग बीइंग्स रह सकते हैं. इसके अलावा कोई भी जो प्लैनेट है, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स का सर्वाइवल नहीं हो सकता है. वहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग्स नहीं रह सकते. तो आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो कैसे बना है, और अर्थ के इंटीरियर में, मतलब अर्थ के अंदर क्या है, ये आप थॉट कर सकते हो, मतलब सोच सकते हो. Interior of the earth. The interior of the earth is made up of several layers arranged one on top of the other like an onion. The uppermost layer of the earth is called crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses. The main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called CIAI. SIAI. SI means silica and AL means alumina. जो हमारा इंटीरियर अर्थ है वो किससे बना हुआ है? बहुत सारे लेयर से बना हुआ है. तो उसके अंदर जैसे कि हमारी ओनियन होती है, ओनियन को आपने देखा होगा कि ओनियन के ऊपर जो बहुत सारे लेयर्स होती है, जो ऊपर का आप निकालोगे उसके छिलके जो होते हैं, तो वो एकदम जो फर्स्ट का जो लेयर होती है वो एकदम सॉफ्ट और थिन होती है. उसके बाद ऐसे निकालते जाओगे तो वो अलग अलग लेयर्स निकलते जाते हैं. वैसे ही हमारा जो अर्थ है बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है. जो अर्थ का जो मोस्ट अपर मोस्ट लेयर है तो वो बहुत ही थिन है. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज देयरफॉर कॉल्ड SIMA, सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो बहुत सारे मिनरल्स है जो हमारे अर्थ के अंदर, तो ये सारे मिनरल्स के नाम है, जैसे सिलिका है, अलूमिना है, मैग्नीशियम है. ओके, जो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो हमारे अर्थ के गहराई में जो है, और डिफरेंट लेयर्स भी आप सब लोग देख सकते हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट. जस्ट बेनिथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच extends up to the depth of 2900 kilometers. The innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometers. It is mainly made up of the nickel and iron and is called NiFe. मतलब Ni मतलब nickel and Fe मतलब ferrous. That means iron. Iron को ferrous भी बोलते हैं. Okay. The central core has very high temperature, pressure and density of the matter. तो जो यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो, इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है, तो यहाँ पे क्या समझाया है, जो हमारा जो बेनेथ ऑफ क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड, जो मेंटल है वहाँ कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, 2900 किलोमीटर्स. जो इनर मोस्ट लहर है वो कहाँ तक है, 3500 किलोमीटर्स. तो इसकी तो ये किससे बना हुआ है, मेनली निकल और आयरन. तो निकल और ये आयरन क्या है, मिनरल्स हैं. ओके, रॉक्स एंड मिनरल्स. द टाइप्स ऑफ रॉक्स वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज, पार्टिकल साइज एंड फॉर्मेशन प्रोसेस. इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन प्रोसेस रॉक्स आर ऑफ थ्री टाइप्स. जो रॉक्स है सभी जगह पर एक तरह से नहीं रहते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज. उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं पार्टिकल साइज और फॉर्मेशन के वजह से वो अलग अलग टाइप्स के रॉक्स होते हैं. तो यहाँ पे थ्री टाइप्स के रॉक्स है, जैसे कि इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक.
igneous rock. Hot magma cools and solidifies. A rock formed in this way is called the igneous rock. There are two types of igneous rocks, inner rock and outer rock. जो हॉट मैग्मा होती है हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, ओके, तो वो जहाँ पे जो मैग्मा होती है वो जब कूल हो जाती है, वो मैग्मा कैसी होती है, हॉट होती है, जब वो गर्म होने लगती है, गर्म होने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड के रूप में बन जाता है. जब वो सॉलिड बन जाती है तो उस रॉक को हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक्स. तो इग्नियस रॉक्स में भी टू टाइप्स है, एक इनर रॉक है और एक आउटर रॉक है. तो नीचे एक नो दिस दिया है, उसके अंदर है इग्नियस. तो इग्नियस ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है, उसका मतलब है फायर. तो नेक्स्ट है सेडिमेंट्री, द ये भी एक लैटिन वर्ड है. तो लैटिन वर्ड इसका क्या है, सेडिमेंटम. तो उसका मतलब होता है स्टेबल. तो थर्ड वन है मेटामॉर्फिक. तो ये है एक ग्रीक वर्ड. तो ग्रीक वर्ड क्या है इसका, मेटामॉर्फोस. तो इसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म. कैन यू इमेजिन द लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो. एक्चुअली द रेडिश मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज लावा. तो आप लोगों को पता है कि लावा क्या होता है, वोल्केनो से जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा कहते हैं. तो उसके अंदर से एक रेड कलर का मॉल्टन मैग्मा निकलती है अर्थ के इंटीरियर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं. ओके, जब वोल्केनो होती है तो रेड कलर का जो लावा निकल के अर्थ के ऊपर आ जाती है तो वो लावा होता है. व्हेन दिस मॉल्टन लावा कम्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट रैपिडली कूल्स डाउन एंड बिकम्स सॉलिड. रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो जो लावा जब वोल्केनो होती है, वोल्केनो के बाद जो मॉल्टन लावा होती है तो अर्थ के ऊपर आ जाती है, तो उसके बाद वो क्या होता है, एकदम से रैपिडली मतलब एकदम स्पीड से वो कूल हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है. तो उसके बाद वो क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाती है. तो इस तरह से जो सॉलिड बनने के बाद जो रॉक्स बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल बासॉल्ट, तो उसका एग्जाम्पल है बासॉल्ट. बासॉल्ट एक क्या है, एक पत्थर है, जो ब्लैक कलर के पत्थर होती है हमारे अर्थ के ऊपर, मतलब जो हमारे बाहर हमको अर्थ के बाहर जैसे हमारे ज़मीन पर देखने मिलती है, तो उसको क्या कहते हैं, बासॉल्ट. वो ब्लैक कलर के पत्थर होते हैं. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth crust. Solid rocks are formed which are called intrusive igneous rocks. तो कभी कभी क्या होता है, जो molten magma होता है जो earth के अंदर, तो गहराई में जो earth की गहराई है उसके अंदर जाके वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. तो उसके बाद वो सॉलिड बन जाती है, सॉलिड बनने के बाद वो रॉक्स बन जाते हैं. तो उस तरह के जो रॉक्स बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. तो पता चला आपको, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मतलब जो अर्थ के ऊपर लावा निकलती है तो मॉल्टन लावा जब कूल हो जाती है तो उससे जो रॉक्स बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस. और जो मॉल्टन मैग्मा होता है तो वो क्या होती है, अर्थ के अंदर उसकी गहराई में जाके वो क्या हो जाती है, कूल हो जाती है और वो सॉलिड बन जाती है. तो उसके बाद जो रॉक्स बनते हैं उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. नेक्स्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स. रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इंटू स्मॉल पार्टिकल्स. दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाई विंड वाटर एक्सेट्रा. जो सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, जो कुछ रॉक्स होते हैं रोल होके गिर जाते हैं, क्रैक बन किसी रॉक्स में क्रैक हो जाते हैं या एक दूसरे से वो हिट हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रोकन हो जाते हैं. तो उसके बाद में वो स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. तो ये जब स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो वो जो हवा चलती है या वाटर के थ्रू वो कहीं जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. दीज लूज सेडिमेंट्स आर compressed and
हार्डन टू फॉर्म द लेयर्स ऑफ रॉक्स. तो इस तरह से जो रॉक्स बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from the grains of sand. जैसे कि sandstone है जो sand से जो बहुत सारे sand मिल के छोटे छोटे parts उसके मिल के जो बड़ा sandstone बन जाती है. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. जो कुछ plants या animals बहुत साल मतलब थाउजेंड साल पहले जो रहते थे वो क्या हो जाते हैं, बहुत पुराने होने के बाद वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और उसका जो शेष रहती है तो पत्थर बन जाती है. तो यहाँ पे नीचे दिया गया है व्हाट आर द फॉसिल्स. द रिमेंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं तो उसके जो उस बहुत साल के बाद उनके जो रिमेंस होते हैं, जो डेड होने के बाद उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रॉक्स के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं. थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू द मार्बल. जो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स है वो चेंज हो जाते हैं, उसके फॉर्म चेंज हो जाते हैं, तो उस रॉक्स को हम क्या कहते हैं, जब चेंज होने के बाद, मेटामॉर्फिक रॉक्स. उसके एग्जांपल है क्ले, तो क्ले को हम स्लेट के रूप में चेंज कर सकते हैं. जो लाइमस्टोन है वो मार्बल बन जाती है ऐसे. ओके, नीचे आप पिक्चर में देख सकते हो जो रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स, मैग्मा, मेटाफॉर्मिंग वो कैसे बन जाते हैं. और दूसरे में आप देख सकते हो लावा और वो मतलब वोल्केनो. तो रॉक साइकिल कैसी बन सकती है. ओके, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर द सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक्स. These igneous rocks are broken down into the small particles. Those are transported and deposited to form the sedimentary rocks. When the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under the extreme heat and pressure, melt down to form the molten magma. This molten magma cools down and solidify into the igneous rocks. ये जो process होती है rock cycle वो चलता ही रहता है. जैसे कि सबसे पहले हमने जो देखा है igneous rocks, जब molten magma निकलती है तो earth के ऊपर आ जाती है तो उससे igneous rocks बनते हैं. जो कभी कभी मोल्टन मैग्मा जो होती है अर्थ के अंदर वो कूल हो जाती है और उसके अंदर जो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं. जो ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स, वो उसका जो रॉक्स होते हैं वो अपना फॉर्म चेंज करते हैं, अपना फॉर्म चेंज हो जाती है उसके अंदर, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. तो ये सारे किसके वजह से होती है, जो हीट होती है अर्थ के अंदर, प्रेशर होती है, उसके वजह से ये सारे प्रोसेस हमेशा चलती रहती है. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल. ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो.